टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इंडोनेशिया ने सोमवार से पाम तेल निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है, जबकि इंडोनेशिया घरेलू आपूर्ति को भी मजबूत बनाए रखने की दिशा में काम कर रहा है, जिसके चलते मलेशिया में पाम तेल के दाम में शुक्रवार को जोरदार उछाल आया। यह तेजी इंडोनेशिया में घरेलू बिक्री पर जोर देने और आपूर्ति बढ़ाने के फैसले से प्रेरित थी। इधर भारतीय बाजारों में इंडोनेशिया का पाम तेल जल्द बाजारों में आने के भय से बिकवाली का दबाव रहा, इससे सोया तेल और पाम तेल की कीमतों में आंशिक गिरावट देखने को मिली है। सोया तेल इंदौर घटकर 1550 और पाम तेल इंदौर 1615 रुपए प्रति 10 किलो रह गया। विदेशों में सोया तेल का भाव पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह करीब 3% से ज्यादा टूट गया है। उधर चीन ने अप्रैल में ब्राजील से 63 लाख टन सोयाबीन का आयात किया, जो कि उससे पिछले महीने से 120% ज्यादा है। यही नहीं, पिछले साल के इसी महीने में चीन द्वारा ब्राजील से किए गए 50.8 लाख टन सोयाबीन आयात से भी इससे साल के आयात का आंकड़ा ज्यादा है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।